चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व के स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहाती दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पाती दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व के निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती। जिस अतीन्द्रिय आनंद के सागर का अभी अभी जन्म हुआ है और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है, जिस चैतन्य तत्व का कदापि जन्म नहीं हुआ, यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व के निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूँ। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है।
ज्ञानी यह मानता है कि चैतन्य ज्योति के पड़ोस में मिट्टी के अनंत परमाणु है, फिर भी मिट्टी का एक भी परमाणु ज्योतिर्मयी नहीं है और ज्योति की सत्ता मिट्टीमयी नहीं है। मिट्टी अधोगामिनी है और ज्योति ऊर्ध्वगामिनी है। यह भेद विज्ञान की यह देह रूपी मिट्टी यह अधोगामिनी है और चैतन्य ज्योति ऊर्ध्वगामिनी है। प्रज्वलित ज्ञान दीपक की संगति से अप्रज्वलित ज्ञान दीपक भी प्रज्वलित होता है। बहुत बार यह सुना है, जलते हुए दिए से न जलता हुआ दिया जलता है। जलते हुए दिए के स्पर्श से न जलता हुआ दिया भी जलता है। मगर जब ये सुना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का स्पर्श कर ही नहीं सकता, जब शिष्य गुरु का स्पर्श कर ही नहीं सकता, क्योंकि शिष्य और गुरु के बीच में द्रव्य की स्वतंत्रता की वज्र की दीवार है। शिष्य शिष्य है, गुरु गुरु है, जहां स्पर्श ना की कोई संभावना ही नहीं। एक दीपक दूसरे दीपक का स्पर्श कर ही नहीं सकता, फिर ये क्यों कहा कि जलता हुआ दीपक न जलते हुए दीपक को जला देता है। वास्तव में तो न जलता हुआ दीपक जलते हुए दीपक के निकट आकर स्पर्शना से प्रज्वलित होता है। इसका अद्भुत रहस्य है जो जलता हुआ दिया है। ये जलता हुआ दिया, ये त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञायक, यही पर ही जो द्रव्य है, इस द्रव्य को जलता हुआ दिया कहा और न जलता हुआ दिया उस पर्याय में जो अज्ञान का अंधकार है यह कहा। जब आत्मा की पर्याय आत्मा की स्पर्शना करते हैं, जब नहीं जलती हुई ये अज्ञान के अंधकार रूपी पर्याय ये त्रिकाली ज्ञायक की स्पर्शना करती है, तब स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति से यह ज्ञान की पर्याय में अनंत गुणाधिपति भगवान आत्मा सहज प्रतिबिंबित होता है, प्रकाशित होता है। तब ज्योति ज्योति में है, ज्योति ज्योति है और मिट्टी सहज ही प्रकाशित होती हो, मगर ज्योति का फैलना वहाँ तक नहीं जहाँ मिट्टी है। और ये जागृति सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को प्रति समय बनी रहती है। यह जागृति बनी रहती है कि मैं चैतन्य ज्योति और ये देह रूपी मिट्टी, मेरा फैलना देह रूपी मिट्टी में कहीं पर भी हुआ नहीं, हो सकता ही नहीं। ये अत्यंत दूर से जैसे मिट्टी प्रकाशित होती हो, ऐसे ही सम्यक दृष्टि को ये देह रूपी मिट्टी अत्यंत दूर से प्रकाशित होती दिखाई देती है। मिट्टी से इस ज्योति का कोई संबंध नहीं। आज तक ऐसे दीपक जलाने चाहे, हर दीपावली में दीपक जलाए, मिट्टी के दीपक, बाहर के दीपक ही जलाने चाहे, और बाहर के दीपक जलाने में परतंत्रता है। बाहर से दीपक खरीदना हो, रुपये चाहिए, बाहर से दीपक जलाना हो, तेल चाहिए, बाती चाहिए, बाहर से दीपक जलाना हो, परतंत्रता बहुत है। मगर भीतर का ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होता है
तब स्वतंत्रता का वास्तविक उद्घोष होता है, क्योंकि पर्याय द्रव्य में ढलती है और पर्याय का द्रव्य में ढलना यही पर्याय को द्रव्य की स्पर्शना है। पर्याय को द्रव्य की स्पर्शना अर्थात पर्याय में ही मैं द्रव्य हूँ ऐसा अनुभव, पर्याय में ही ऐसा भेद मिट जाना, फासला थोड़ा भी न रहे, जलते हुए दिए से न जलता हुआ दिया यदि फासला थोड़ा भी रहा तो न जलता हुआ दिया जल न सकेगा, थोड़ा भी फासला न रहे, ऐसे ही पर्याय और द्रव्य के बीच में थोड़ा भी फासला न रहे, अर्थात पर्याय स्वयं को पर्याय स्वरूप न देखे और पर्याय स्वयं को द्रव्य स्वरूप देखे, द्रव्य स्वरूप अनुभव करे, यही है पर्याय में द्रव्य का अनुभव। आत्मा की अनुभूति ही प्रज्वलित ज्ञान दीपक, यह ज्ञान का दीपक जब प्रज्वलित तो होता है, प्रज्वलित ज्ञान दीपक से इस ज्योति से मिट्टी भी प्रतिबिंबित होती है और धुआं भी प्रतिबिंबित होता है। यह जागृति रहती है कि धुआं ज्योति को ढकता है, ज्योति को ढकने वाला कोई पराया नहीं, दीपक का धुआं ही दीपक की ज्योति को ढांकता है। यह आत्मा के ज्ञान को, यह आत्मा के चैतन्य ज्योति को ढकने वाला कोई नहीं, यह मोह रूपी ये धुआं, ये राग द्वेष के विकारी भाव रूपी धुआं ये ज्ञान की ज्योति को ढकता है, मगर फिर भी समझदार पुरुष उस धुएं के पीछे ये अनुभव करते हैं कि ज्योति को ढकने वाला धुआं कितना भी ढका हुआ ऐसा दिखता हो कि ज्योति को ढंका है, मगर जिसने ज्योति को धुएं के भीतर जाकर के देखा है वहाँ उस ज्योति को तो किसी ने नहीं ढंका, धुआं बाहर है, ज्योति ज्योति को तब भी प्रकाशित करती है, या फिर ये कहो कि ज्योति से ज्योति प्रकाशित होती है भले ही धुआं हो, धुआं हो कितना भी मगर ज्योति ज्योति से प्रकाशित होती है। ऐसे ही प्रति समय ये ज्ञान से ज्ञान प्रकाशित हो रहा है, ये ज्ञान से ज्ञान जानने में आ रहा है, एक समय भी ऐसा नहीं गया कि ज्ञान से ज्ञान प्रकाशित न हुआ हो, सारा जगत ज्ञान में प्रकाशित न हुआ तो क्या हुआ, ज्ञान की यह ज्योति सदैव स्वयं से प्रकाशित होती है, यह ज्ञान ज्योति मात्र भगवान आत्मा यह मैं हूँ, यह जागृति प्रति समय, और यह जागृति किसी पराये से न होगी, ये सुनकर के तुम्हारी प्यास मिटेगी नहीं, ये सुनकर के तुम्हारी प्यास और बढ़ेगी कि कैसी होगी आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति। जहाँ ये भूतकाल में मैंने अनंत जन्म मरण किए, ये सब भूतकाल हुआ, ये भूतकाल की कहानी हुई, ये भूतकाल का इतिहास हुआ, इतिहास में जो पढ़ा था ऐसे ही फिर तुम शास्त्रों में पढ़ते हो कि हाँ मैं भूतकाल में स्वर्ग में था, मैं नरक में था, मैंने कुत्ते बिल्ली आदि तिर्यंच की पर्याय में मैंने अनंत दुख भोगा, मगर ये जो दुख भोगा ये भूतकाल में ये इतिहास हो गया। भूतकाल का इतिहास सम्यक दर्शन जब प्रकट होता है तब भूतकाल में मैंने दुख भोगा है ये इतिहास इतिहास नहीं रहता, ये बात ही झूठी हो जाती है, क्योंकि जिस चैतन्य तत्व की अनुभूति होती है यह चैतन्य तत्व तो किस देह में गया, इस चैतन्य ज्योति ने किस मिट्टी को धारण किया, यह चैतन्य परमात्मा अनादि से भटका ही नहीं, ज्योति
अनादि से भटकी ही नहीं, इसलिए इतिहास तो तब हो कि भूतकाल में ऐसा परिभ्रमण हुआ हो। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य ज्योति मात्र परमात्मा यह मैं, ऐसी अनुभूति से ज्ञान दीपक प्रज्वलित हुआ और ज्ञान दीपावली मनाई। धन्य भागी है वे जीव जिन्होंने आत्मा की अनुभूति से आत्मा का दर्शन किया। आज का दिन रूप चतुर्दशी का दिन कहते हैं, काली चौदस का दिन है। काली चौदस रूप चतुर्दशी, आज तक ये सुना होगा आपने, महावीर भगवान के निर्वाण से एक दिन पहले रूप चतुर्दशी के दिन, आज चौदस के दिन महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं की रही थी, मगर महावीर भगवान के दर्शन हुए थे। महावीर भगवान मौन हुए थे वाणी से भी। धनतेरस के दिन अंतिम दिव्य ध्वनि धनतेरस के दिन खीरी और निर्वाण दीपावली के दिन हुआ। आज का दिन महावीर भगवान के रूप का दर्शन, आज तक यही देखा कि महावीर भगवान के रूप का दर्शन का दिन है। आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर भगवान के रूप के दर्शन, ये रूपी के दर्शन बहुत किए। रूप के दर्शन के काल में ज्ञानी को अरूपी की जागृति, यह जागृति और ये जागृति परम धर्म है। रूप के दर्शन होते हो, मगर रूप के दर्शन के काल में भी ज्ञान रूपी दर्पण में, ये रूप कहीं पर भी नहीं है, यहाँ तक कि रूप जहाँ प्रतिबिंबित होता है और रूप जहाँ जानने में आता है, ऐसे ये ज्ञेय ज्ञान में कहीं पर भी नहीं है। महावीर भगवान का रूप तो दूर, वो तो बहुत काल बीत गया, करीब करीब 2500 बरस बीत गए, मगर सम्यक दृष्टि ज्ञानी को यह जागृति, दर्पण में जैसे चेहरा देखा अभी, चेहरे को दर्पण में देखते ही यह जागृति, ये रूप की पर्याय, ये रूप की अवस्था जो दर्पण में प्रतिबिंबित होती है। मेरा मुख दर्पण में प्रतिबिंबित होता है, मगर दोनों में ये जागृति कि मुख दर्पण में प्रतिबिंबित होता है, उस समय भी एक ज्ञान में प्रतिबिंबित होने का कार्य हो रहा है, जिस ज्ञान में मुख ही नहीं मुख दर्पण में प्रतिबिंबित होता है। ऐसी जो ये क्रिया, ये सारी क्रियाएं ये ज्ञान दर्पण में प्रतिबिंबित होती है, इसलिए तुम इस देह की क्रिया को सिर्फ ऐसे ही देखोगे जैसे मुर्दा दर्पण में वहां पर चेहरे को अपनी मुखाकृति को वहां पर दर्पण में जैसे तैयार करता हो, मगर यहाँ ज्ञान रूपी दर्पण में यह प्रतिबिंबित होता हो। और यह जागृति, जैसे ही दर्पण में ये चेहरा देखा, उस समय ये जानने में आता है कि मैं मनुष्य, मेरा चेहरा, मैं रूपवान, मैं कुरु, मैं गोरा, मैं काला, ये तरह तरह के जो ये जैसे विकल्प, और विकल्प से भी भीतर आओ तो ज्ञान, ज्ञानी को भी ये जागृति रहती है, ज्ञानी को भी ये ज्ञान होता है। जानना जानना जानना, ये सब क्रियाएं होती हैं, मगर भीतर की जागृति की ज्ञान का जानने रूप जो परिणमन है, उस जानने रूप परिणमन में ये चेहरा काला चेहरा है ऐसा जो जानने में आ रहा है, उसके साथ ज्ञानी की यात्रा नहीं होती। देह के साथ तो नहीं होती, विकल्प के साथ तो नहीं होती, क्षयोपशम ज्ञान के साथ भी
ये जो जानने में आ रहा है कि मैं अपने चेहरे को ये दर्पण में जान रहा हूँ और ये चेहरा ये पुरुष का चेहरा है, ऐसा जो जानने में आता है उस ज्ञान को भी ज्ञानी ने ज्ञेय की श्रेणी में जाना है। और भीतर में ये अलिप्तता रहती है ज्ञान की, सहज परिणमित होने वाली पर्याय। यह जागृति, ये जागृति धर्म है। महावीर भगवान के रूप के दर्शन बहुत किए, भले ही वो भूतकाल हुआ मगर प्रतिमा में तो दर्शन करते हैं, मूर्ति के तो दर्शन करते हैं, दर्शन किए। मगर उस समय भी क्या तुम्हें कभी ये जागृति रही कि सामने महावीर भगवान है? महावीर भगवान है ये तुम्हें दूर दिखाई दिए, जिनके साथ मेरा कोई संबंध नहीं, महावीर भगवान से कोई संबंध नहीं, ऐसा नहीं। ये महावीर भगवान है जिनके सामने मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। ये जो भीतर में ज्ञान है, उस ज्ञान को तुम बाहर देख सके हो, उस ज्ञान को बाहर देखने को कहता हूँ, ये तरंग रूप क्षय उपशम ज्ञान को बाहर देखने को कहता हूँ, इस बुद्धि को बाहर देखने को कहता हूँ, जिससे ये बुद्धि यदि तुम्हारे पास कल न हो तो भी तुम्हें भीतर में चैतन्य की जागृति, और कल नहीं रहेगी ये बुद्धि न रहेगी, कल तुम्हें पता भी नहीं। तुम भूतकाल में बहुत तीर्थों की यात्रा कर चुके, क्या तुम्हें पता है कौन से तीर्थ में, कौन से देवल में किस देव की प्रतिमा थी? कुछ भी याद नहीं। रूप के दर्शन तो किए थे मगर रूप के दर्शन, ये दर्शन तब तक निरर्थक, तब तक जब तक निर्विकल्प अनुभूति से अरूपी का दर्शन नहीं होता, चैतन्य स्वरूपी का दर्शन नहीं होता। इसलिए वह ज्ञान चला जाता है, वह ज्ञेय चला जाता है। ज्ञानी को यह जागृति है, कल मेरे पास कौन से पदार्थ थे? तुम्हें बचपन की बहुत सी घटनाएं आज याद नहीं है, बचपन के कपड़े याद नहीं, बचपन की जिन जिन वस्तुओं को तुमने उपयोग में लिया था वे वस्तु आज याद नहीं है। बस ऐसे ही भगवान के दर्शन, ये महावीर भगवान भी कल याद नहीं रहेंगे, इसलिए मुझे महावीर भगवान में नहीं, ये महावीर भगवान है उस ज्ञान में भी रुचि नहीं है। महावीर भगवान के ज्ञान में भी रुचि नहीं, मुझे रुचि है ज्ञान में, महावीर भगवान के ज्ञान में नहीं। तब तुम स्वतंत्र होगे, ये स्वतंत्रता। और उस समय कोई पराया न रहा तो विकल्प न रहेगा, पराया हो ना तो विकल्प उत्पन्न होता है, ये विकल्प उत्पन्न होता है, ये बोलना उत्पन्न होता है। कोई पराया है तो वहां वाणी होती है, कोई पराया नहीं तो वाणी कैसे? कोई सुनने वाला हो तो बोलने वाला है सुनने वाला, मगर जहां मैं एक हूं तब सुनूं तो किसको सुनूं, और मैं एक हूं तो बोलूं तो किसके सामने बोलूं? इसलिए जहां एक की अनुभूति होती है वहां मौन की अनुभूति होती है, और इसलिए अनुभूति से मौन का पहली बार ये अनुभव होता है कि मौन क्या है। इसलिए उस समय बोलना नहीं होता, और जब मैं बोलना कहूँ तब होठों को हिला करके बोलना, ये बोलना मत समझना। जब मैं बोलना कहूँ तब विकल्पों का ये उठना, विकल्पों का ये टकराना, ये विकल्पों की टकराहट वहाँ नहीं होती, उसे मैं मौन कहता हूँ। ये विकल्पों की, इसलिए अनुभूति के काल में ये विकल्पों की टकराहट नहीं होती, इसलिए तो वहाँ मौन रह करके भी परिचय हुआ, क्योंकि ज्ञान का प्रकाश जिससे ये स्वरूप का परिचय हुआ, वहां बोलने की कहां जरूरत, वहां विकल्प की कहां जरूरत, मौन पर्याप्त है।
प्रकाश पर्याप्त है। इसलिए जलता हुआ दीपक कभी बोलता तुमने सुना कि देखो मैं जलता हुआ हूं? जलता हुआ दीपक बोलता नहीं, सिर्फ प्रकाशित है, यही उसका परिचय है कि जल रहा है, उसे बोलने की जरूरत नहीं। प्रकाश परिचय देता है दीपक का कि वह जल रहा है। ज्ञान के प्रकाश से भगवान आत्मा का परिचय हुआ, वहां विकल्प के बोलने की जरूरत नहीं, ये विकल्प की टकराहट की जरूरत न रही। ऐसी ये चैतन्य की अनुभूति, ये मौन। इसलिए आज तक हमने महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि को सुना, बहुत सुना, मगर अब मौन होने का समय आया। आज का दिन तो खास करके मैं मौन का दिन कहता हूं, परम मौनी का दिन कहता हूं। क्योंकि जो वाणी से समझ में नहीं आया था वह मौन से समझ में आया। न्याय त्रिकाल मौन है, ज्ञान की पर्याय भी मौन है। इसलिए मौन से ही मौन की अनुभूति हो सकती है। मौन से मौन की अनुभूति, भीतर में विकल्पों की टकराहट हो, तत्व विचार के काल में ये विकल्पों की टकराहट होती है, मगर फिर भी जोर मौन पर होता है। जहां संभव नहीं ध्वनि कैसे उत्पन्न हो, जहां संभव नहीं ये विकृति, ये विकल्प कैसे उत्पन्न हो। इसलिए जितना जितना तत्व विचार होता है उतना बोलना नहीं, उतना मौन होना शुरू हो जाता है। यह समझदारी है। मुझे घटना अविस्मरण में आई, पंडितों की सभा थी और पंडितों की सभा में ज्ञान की बहुत चर्चा चल रही थी, जैसे अक्सर पंडितों की सभा में ज्ञान की चर्चाएं होती। महापंडित और पंडितों को समझा रहे थे कि राम राम का नाम जपो, मुक्ति मिलेगी। एक ही उपाय है, राम राम नाम सत्य है। सुन लिया किसी तोते ने, और तोते ने सुन करके बोलना शुरू कर दिया, राम 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 राम, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। जैसे ही तोता राम नाम सत्य है बोलने लगा, पंडित ने उस तोते को पकड़ लिया, अपने पास रख लिया कि अरे ऐसा तोता, देखो हम मनुष्य जैसे बोलते हैं राम नाम सत्य है, ये तोता भी ऐसे ही बोलता है राम नाम सत्य है। ये तोता छोड़ने जैसा नहीं। मगर थोड़े दिन बाद ऐसा हुआ, एक सेठ आया और पंडित को पूछा, ये तोता राम राम बोलता है, राम नाम सत्य बोलता है, क्या ये तोता बेचना है? उस पंडित ने उस सेठ को तोता बेच दिया। सेठ तोते को पिंजड़े में बंद करके अपने घर में रखता है, सुनता है रोज राम नाम सत्य है। मगर एक दिन ऐसा हुआ कि सेठ को
राजा की जरूरत पड़ी कि राजा से कुछ काम निकलवाना है और सेठ के पास कुछ भी नहीं। सेठ गया राजा के पास, कहा मेरे पास एक ऐसा तोता है जो कहता है राम नाम सत्य है, ये तोता लेकर के मैं आपके पास आया हूं, आप मेरा ये काम कर दो। राजा ने तोता ले लिया, उस सेठ का काम कर दिया। थोड़े दिन बाद रानी का जन्मदिन था। राजा ने सोचा रानी को क्या दूं, ये तोता ही मैं भेंट में दे देता हूं, बाकी तो बहुत कुछ दिया मगर अब ये तोता रानी को भेंट में देता हूं। रानी को तोता भेंट में दिया, रानी को भी अच्छा लगा, राम नाम सत्य है, ऐसा तोता कभी देखा नहीं था कि जिसके मुंह से ये सुना हो राम नाम सत्य है। तोता तो फंस गया था, पंडित की पुकार सुनकर के राम नाम सत्य है, मगर भूतकाल का भव याद आ गया कि छूटने का उपाय है मौन। तोते ने सोचा अब एक ही उपाय है मौन, और पिंजड़े में बंद तोता चुप हो गया, अब नहीं बोलता राम नाम सत्य है, मौन है। एक दिन मौन रहा, दो दिन मौन रहा, चार दिन मौन रहा, रानी ने देखा तोता मर गया है, अब रखने जैसा नहीं, पिंजड़े में से तोते को बाहर फेंका। फेंका जैसे ही तोता उड़ने लगा, तब से लेकर के राम नाम सत्य बोलना ही बंद कर दिया, चुप रहता है, भीतर में समझता है सब कि बोलने में सार नहीं, चुप रहने में सार, बोल करके तो बंधन में फंसा था, वाणी से बंधन है, और मैं वाणी से नहीं कहता, मैं विकल्पों से, ये भावों से बंधन कहता हूं। कौन से भाव? मैं न्यायक हूं, ये विकल्प, ये बंधन है, ये बंधन मुझे सुहाता नहीं। हे ज्ञान दीपक, आज से ये दीपावली तुम्हारी असली दीपावली शुरू हुई। रूप चतुर्दशी से अरूपी चैतन्य के दर्शन का ये शुभारंभ हुआ। मंगलमय मंगलाचरण ज्ञान दीपक प्रज्वलन से बहुत से समारोह में तुम गए, दीप प्रज्वलन हुआ, मगर यह ज्ञान का दीपक जिसके प्रज्वलन से मोक्ष का मार्ग शुरू होता, यह पराया दीपक काम में नहीं आता। अपदीपो भव। बुद्ध ने भद्रक को यह उपदेश दिया था, अपदीप, स्वयं का दीपक तुम स्वयं बनो। और दीपावली का दिन ज्ञान दीपकों को, ये दीप दीपक के कारण ही ये नाम दिया ज्ञान दीपक। दीपावली के कारण ये नाम दिया ज्ञान दीपक, ज्ञान दीपावली। इसलिए क्योंकि अमावस के दिन दीपावली मनाते हैं, अमावस का घना अंधेरा, फिर भी आत्मा के ज्ञान के दीपक को प्रज्वलित होने के लिए वह घना अंधेरा बाधक नहीं बनता। इस बात का प्रतीक है महावीर भगवान का निर्वाण दीपावली के दिन हुआ, मोक्ष दीपावली के दिन हुआ, यह बताता है कि मुक्ति की प्राप्ति के लिए बाहर का अंधेरा कोई बाधा नहीं पहुंचाता। और बाहर का अंधेरा माने क्या? कि बाहर की प्रतिकूलता। ये रात का अंधेरा इसकी बात नहीं कहता, बाहर की प्रतिकूलता कि आज जेब में धन नहीं है, आज ठहरने के लिए घर नहीं है, या फिर कोई मित्र का योग नहीं है, बहुत प्रतिकूलता है, अंधेरा है, मगर अंधेरे में
ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित हो सकती है। और यह भी मैं नहीं कह रहा कि बाहर के संयोगों में अंधेरे में ज्ञान का दीपक जलना, ये राग द्वेष का अंधेरा, ये मोह का अंधेरा। इसलिए पूजा में आपने सुना है मोहांधकार विनाश नाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा, ये दीपक को अर्पण किया मोह का अंधेरा, और किसको? मुझे वह घटना स्मरण में आई। आदिनाथ भगवान की पूजा होती थी उस समय ये सबसे पहली बार मुझे ये विचार आया था। आदिनाथ भगवान की पूजा, दिया तो जलाते नहीं, हिंसा होती है। इसलिए कहते हैं कि देवों ने भी भगवान की पूजा की थी, मगर ये मिट्टी के दिए से नहीं, रत्नों के दीपक से। रत्न ही इतने प्रकाशित, इतने प्रकाशित रत्नों से भगवान की पूजा की, आदिनाथ भगवान की पूजा की दीपक से, चढ़ा दिए, अर्पण कर दिए, निर्वपामिति स्वाहा, पूजा हुई रत्न के दीपक। ऐसे वैसे नहीं, रत्न के दीपक, एक एक रत्न, एक रत्न आदिनाथ भगवान को चढ़ाया, दूसरा रत्न आदिनाथ भगवान को चढ़ाया। मर्यादा है, सीमा है, अंत है उस पूजा का। बस एक ही पल में बस दीपम निर्वपामिति स्वाहा। अब कहां से लाओगे नए रत्न? आदिनाथ भगवान को एक रत्न चढ़ा दिया, मर्यादित है ना। वास्तव में इसका भाव बहुत सूक्ष्म है। भगवान की भक्ति में दीपक चढ़ाना अहिंसक है, दीपक अहिंसक है, हिंसा नहीं होती। मगर वह रत्न के दीपक की बात कर रहा हूं, और रत्न के दीपक में भी बाहर के रत्न के दीपक की बात नहीं कह रहा। आदिनाथ भगवान को चढ़ाने की बात नहीं कह रहा हूं, अनादिनाथ की बात कह रहा हूं। अनादिनाथ ये त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक, ये निज परमात्मा, और एक एक समय की ज्ञान की पर्याय, ये ज्ञान की पर्याय एक एक रत्न है, ये एक एक समय की पर्याय ये रत्न है, और पर्याय द्रव्य में समर्पित होती है, ये अर्पण होती है। ज्ञान की पर्याय को ज्ञायक में अर्पण करना, ये रत्न का दीपक परमात्मा को चढ़ाया, ज्ञान की पर्याय का ज्ञायक में ढलना, रत्न का जो दीपक है उसमें धुआं नहीं होता, उसमें मिट्टी नहीं होती, वह ज्योति है। ऐसे ही ये ज्ञान ज्योति में राग का धुआं नहीं, ज्ञान ज्योति में ये देह की मिट्टी नहीं, ऐसी ये ज्ञान की एक समय की पर्याय। और जैसा मैंने कहा कि वहां तो थोड़े रत्न चढ़ा दिए, एक रत्न, दूसरा रत्न, तीसरा रत्न, अब बस रत्न ज्यादा नहीं है। मगर यहां अनंत काल तक पर्याय परिणमित होती रहती है, अनंत काल तक पर्याय खाली नहीं होती। एक पर्याय का उत्पाद, फिर व्यय हुआ, फिर नई पर्याय का उत्पाद, ये उत्पाद व्यय ऐसा ये अनंत काल तक होता रहेगा। अनंत रत्न तैयार है न्यायक को समर्पित होने के लिए। यह है दीपक से न्यायक देव की भक्ति, ये न्यायक देव की पूजा। इसे कहते हो मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। मगर एक बात याद रहे, बाहर के दीपक कितने भी जलाए, भीतर का अंधेरा मिटने वाला नहीं, छुप जाता है, एक धोखा देते हैं, रोशनी हो गई। बाहर की रोशनी से इतने प्रभावित होते हैं कि भीतर का अंधेरा कहीं याद न आ जाए।
ये अज्ञानी की चाल है बाहर में दीपक जला करके अंदर के अंधेरे को छुपाने की, मगर छुप नहीं सकता। अंतर का अंधेरा, घना अंधेरा, मोह का अंधेरा। मैं मोह को अंधेरा इसलिए कहता हूं क्योंकि मिथ्यात्व का जो भाव है ना, ये मिथ्यात्व का भाव कुछ भी नहीं जानता। ये मिथ्यात्व का भाव जब तक रहता है तब जानने वाला जानने में नहीं आता। ये मिथ्यात्व का भाव छूट जाना, ये मोह का अंधकार छूट जाना, ये सूर्योदय हुआ जिस समय ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हुआ, अब अंधेरा न रहा। काल चैतन्य ज्योति, हे ज्ञान दीपक, ये चैतन्य ज्योति की जागृति। तुम्हें कुछ भी नया न लगे, ये दीपावली जो मनाई जाती है मुझे कुछ भी नया नहीं लग रहा। ये काल चक्र का परिवर्तन है और कुछ भी नहीं। पिछली दीपावली में तुमने क्या किया था तुमने कभी सोचा? उससे पहले भी दीपावली में क्या किया था? यही तो, दिए जलाए, रंगोली बनाई, मिठाई खाई, और किया क्या? ऐसी सालों तक दीपावली मनाते हैं, मगर ये जो है ये ज्ञान दीपावली है। परम कृपालु देव का ये सपना था ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने भी यही पुकार की। ये गुरुदेव, ये स्वयं प्रज्वलित ज्ञान दीपक, मगर उनके निकट जो ऐसे बैठे अहो भाव से भर करके, तब तुम्हें वहां वो एहसास होगा जैसा अनुभव उन्हें होता है। पूरी तरह से मिट करके, अहं भाव को मिटा करके तुम बैठो सत्संग में, तुम उनके निकट ऐसे बैठो जैसे पतंगा जलते हुए दीपक के निकट रहता है, दूर जाना नहीं चाहता, इतना निकट रहे। जहां जहां गुरु वहां वहां मेरा ध्यान जाता है। गुरु यदि सूर्य है तो शिष्य सूर्यमुखी। जहां जहां गुरु को देखता है वहां वहां ध्यान जाता है, गुरु से अब दूर नहीं रह सकता। जहां से ज्ञान आया उससे दूर कैसे रहा जा सकता है? और जब मैं कहूं कि जहां से ज्ञान आया, तब मैं परम कृपालु देव और पूज्य गुरुदेव श्री तक ये सीमित रहने को नहीं कहता। मैं ये कहता हूं कि द्रव्य में से ज्ञान आया, जिस द्रव्य में से ज्ञान आया हो वह ज्ञान की पर्याय द्रव्य से विमुख कैसे हो सकती है? यह है ज्ञान का द्रव्य के साथ अभेद होना। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होना, हे ज्ञान दीपक, ज्ञान की जागृति। अब तुम जहां हो वहां तुम्हें ऐसा ही एहसास होगा कि कहीं पर भी मुझे जाना नहीं है, कहीं भी मुझे जाना नहीं है, कहीं से मुझे आना नहीं है, मैं जहां हूं वहां हूं।
इसे कहते तृप्ति। आज तक जितना सत्संग हुआ ना, ये समस्त सत्संग का सार करूं तो क्या करूं, कुछ भी करने का भाव तो मैं आता है, वह तब आता है कि करने की जरूरत है, मैं न करूंगा तो कौन करेगा। ये बहुत जरूरी है, कौन करेगा। मगर जब तुम ज्ञान के स्वरूप को जानो तब तुम नहीं करते हो कुछ भी, क्योंकि यहां इतना सहज पना तुम्हें दिखता है, ऐसा सहज स्वरूप दिखता है कि कुछ भी तो नहीं करता। ये जानना 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 हो रहा है। एक समय के लिए भी जो अपनी ज्ञान की ये प्रवाह प्रवाह का भाव समझना। प्रदेशों की बात नहीं कर रहा हूं, अस्थिरता की बात नहीं कर रहा हूं। ये जैसे हाथ हिल रहा है तो आत्मा यहां से यहां, यहां से यहां ऐसा हो रहा है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। भीतर में एक कार्य हो रहा है, कर नहीं रहा, वो चुपचाप हो रहा है। कुछ भी तुम करो या न करो, कुछ करने का भाव हो या न हो, मुझे जगत को चलाना है, मुझे जगत को नहीं चलाना। ये परिवार को मैं चलाऊ, नहीं नहीं मैं परिवार को न चलाऊ, मैं तो वन विहारी हूं। आज मुझे कोई विकल्प नहीं, कुछ भी करने का भाव नहीं, आज मैं बस शांति से बैठा हूं। कल दुकान पर गया था, आज घर पर बैठा हूं, आज कहीं नहीं जाना। ये जितने भी कलह, ये जितने भी कोलाहल, ये जितने भी विकल्प, उसमें उसको चिपका हुआ जुड़ा हुआ मत देखना। मैं तुम्हें ये कहता हूं, ज्ञान का प्रवाह, इन्हें उस पार देखना। कल दुकान पर जाने का भाव आया था, आज घर पर रहने का भाव आया, उसे उस पार देखना और यहां पर देखना ज्ञान। और जैसे जैसे तुम्हारा ये ज्ञान 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 पर ऐसा जोर कि ज्ञान की सत्ता में ज्ञायक, यही पर ही ज्ञायक को पाया। पाना ये भी कहने की भाषा है भगवान। व्यर्थ का आवरण हट गया, अब सारा जगत प्रकाशित होता है, अब निर्धूम ज्योति से अब सब पदार्थ प्रकाशित होते हैं। उसमें कभी तुमने आनंद देखा, जैसे धुआं होता हो और ज्योति ढकी है, धुआं इतना फैला हुआ है, जैसे धुआं मिट जाए और ये पदार्थ दिखते नहीं थे, और जैसे ही धुआं गया कि ये दूर दूर के पदार्थ जो प्रकाशित होने लगे, वो ज्योति कितनी आनंदित होती है, ज्योति को कितनी खुशी होती है। कुछ भी नहीं, सिर्फ ज्योति ज्योति है। ऐसे ही सारा जगत ज्ञान में प्रतिबिंबित हो, फिर भी ज्ञानी का जोर, मैं चैतन्य ज्योति, उसे अलिप्तता कहता हूं।
ये ज्ञेयों से अप्रभावित होने की कला, ये ज्ञान दीपावली है कि जो प्रकाशित होता है उससे अप्रभावित होना। फिर तुम देख सकोगे मिट्टी के दिए में तेल हो, मगर ज्योति न तो खुश है न तो दुखी। ज्योति को पता भी नहीं कि कहां तेल जल रहा है, कहां मिट्टी का दिया है। ज्योति की मस्ती को देखते हो, नीचे जाकर के लाओ देखो दिया क्या कर रहा है, थोड़ी नीचे झुक कर के देखो तेल कितना जल रहा है, थोड़ी बाहर और बाहर फैल जाओ कि कहां धुआं कहां है। जैसे निर्विकल्प ज्योति, ऐसे ही ये देह की मिट्टी में ज्ञान कहीं नहीं ऐसा दिखता है, ज्ञान झुकता नहीं है। जैसे तुम्हें ये चैतन्य स्वरूप की अनुभूति हुई, तुम अब देह में झुकते नहीं, देह की मिट्टी में झुकते नहीं। ये कार्य होता है, ये धुआ राग द्वेष के विकल्प होते हैं। मगर उस समय भी ये ज्ञान अलिप्त है। मिट्टी का दिया मिट्टी होकर के फिर ये परंपरा चलती है, मिट्टी में से दिया बना, दिया गिरा के फिर मिट्टी में से दिया। मगर दीपक के दर्शन में जो मात्र मिट्टी को देख सकता हो, वही है देह रूपी मिट्टी में, देह के रूप में नहीं, इन विशिष्ट आकारों के रूप में नहीं, तुम इन्हें स्वरूप के रूप में देखो। जैसे रास्ते पर मिट्टी हो, तुम ये नहीं मानते कि ये मिट्टी के कारण ज्योति जल रही है, है रास्ते पर मिट्टी। ऐसे ही तुम इस शरीर के परमाणु को रास्ते पर, जैसे परमाणु उड़ते हो, पैर में नीचे जो धूल है उस धूल के कारण, जब तुम बिना चप्पल के चलते हो वो धूल के परमाणु तुम्हारे शरीर को छूते हो। जंगल की यात्रा हो, जंगल की यात्रा में देखता कि जैसे पैर में जो धूल, उस धूल के परमाणु से इस ज्ञान का कोई संबंध नहीं है, ऐसे ही इस शरीर को भी उस श्रेणी में ही देखना। और शुरुआत में तो ये तुम्हें विचार भी आएंगे, मगर वह दशा जब होगी तब तुम्हें बाहर के जगत में कहीं रुचि न रहेगी। अब सुना सुना लगे, अब बाहर फैलने जैसा नहीं लगेगा, सहज ही तुम्हारी परिणति ऐसी होगी। उदासीनता होगी, विकल्प से नहीं परिणति की निर्मलता से, विकार से नहीं भीतर में प्रकट हुई अविकारी दशा से।
हे ज्ञान दीपक, ज्ञान दीपावली शिविर का, 3 दिन के शिविर का आयोजन हुआ है। जैसा आप जानते हैं, कोरोना की वजह से ऑनलाइन शिविर का आयोजन हो रहा है पिछले कुछ महीनों से। अभी नवंबर और दिसंबर, ये 2 महीने के लिए अभी ऑनलाइन शिविर अपन ने रखी है। और आपको मैं बता दूं, 20 से 22 तारीख तक नवंबर महीने में यहाँ गुजरात में ही एक गांव है मालपुर करके, वहाँ मालपुर के ज्ञान दीपकों ने इस शिविर का आयोजन किया है। फिर 30 नवंबर से 3 दिसंबर परम कृपालु देव का गुजराती कैलेंडर के अनुसार जन्मदिन है, तो उस समय 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक 4 दिन की शिविर वह आस कुमराला आध्यात्मिक साधना केंद्र में ही होगी। फिर दिसंबर महीने में आगे 11 दिसंबर से 13 दिसंबर छत्तीसगढ़ में ज्ञान दीपक परिवारों की ओर से, और 18 दिसंबर से 20 दिसंबर राजस्थान के ज्ञान दीपक जिन्होंने इस शिविर का आयोजन किया है, और अंतिम शिविर जो 25 दिसंबर से 27 दिसंबर की होनी है, वो एक शिविर की अभी डेट मेरे पास में है, वो भी अभी 1 घंटे में निश्चित हो जाएगा, कल तक वह भी निश्चित हो जाएगा। तो ऐसे नवंबर और दिसंबर की शिविर अपनी फिक्स हो चुकी है। खास करके आप ज्ञान दीपकों को ये कहना था, ये 3 दिन की शिविर में अभी कल दीपावली मना रहे हैं, कल शाम को 7:42 पर दीपावली के अवसर पर एक यहाँ सत्संग होगा, और 16 तारीख को, परसों 16 तारीख को नूतन वर्ष का दिन है, तो उस दिन सुबह 8:42 पर एक विशिष्ट सत्संग का आयोजन हुआ है। तो यहाँ पर सुबह भी सत्संग होगा और शाम को भी होगा। तो सुबह 8:42 पर जो सत्संग होगा, उस सत्संग के पश्चात ज्ञान दीपकों का उद्घोष होगा, जो 142 ज्ञान दीपक जो नियमित रूप से यहाँ प्रत्यक्ष नहीं सुन पाते हैं, उन्हें परोक्ष ज्ञान दीपक में ट्रांसफर करके, या फिर जिनसे साधना नहीं होती है वे अपने घर पर रह करके साधना करें, मगर जो वेटिंग में है ऐसे परोक्ष ज्ञान दीपक को परसों 16 तारीख को प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक में लिया जाएगा। तो और भी जिनको परोक्ष ज्ञान दीपक में जिनके नाम नहीं है, प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक में जिनको भावना है, तो वे सब अपने अपने नाम आध्यात्मिक साधना केंद्र उमराला, आस उमराला का जो व्हाट्सएप नंबर है उस नंबर पर आप अपने नाम और शहर का नाम भेज देना, और आपकी भावना जो है वो लिख करके भेजना। तो उस हिसाब से 16 तारीख को सुबह के समय जो उद्घोष होगा उसमें आपको ज्ञान दीपकों में जोड़ लिया जाएगा। यहाँ 2 दिन अपन ज्ञान दीपक के बारे में, आज जो मैंने आपको ज्ञान दीपक में ज्ञान ज्योति के बारे में जो बताया, इस ज्योति का स्वरूप कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से
समझाया है परम कृपालु देव ने, पूज्य गुरुदेव श्री ने, ये ज्ञान दीपक की महिमा किस प्रकार से समझाई है उसके बारे में आगामी दो दिनों में हम चर्चा करेंगे। और वास्तविक यथार्थ ऐसा ज्ञान दीपक जो मैंने आपसे कहा है, मैं व्यक्तिगत रूप से भी वन ऑन वन मीटिंग में ज्ञान दीपकों से मिला, एक एक ज्ञान दीपक की अंतर की दशा को जान करके मुझे खुशी हुई कि वे सच्ची दिशा में यात्रा कर रहे हैं। दिशा सच्ची है मगर फासला थोड़ा तय करना है और कहाँ कहाँ उनकी भूल हो रही है वे मैंने उनको पूज्य गुरुदेव श्री और परम कृपालु देव की वाणी को नज़र के सामने रख कर के उन्हें समझाया है और उनके लिए विशिष्ट प्रवचन सुनने के लिए भी दिए हैं। और भी जो प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक जिनको व्यक्तिगत रूप से मिलना है उनके भी नाम मैंने लिखे हैं और निकट काल में उनका भी नंबर लगेगा और आपके लिए भी विशिष्ट प्रवचन जो चैतन्य तत्व विचार आपके लिए भी मैं बताऊंगा। और एक खास समाचार है जो मैं आपको कल देने वाला हूं, तो कल के लिए आप इंतजार करें। आप समस्त ज्ञान दीपकों को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। Ah.